बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। इस गठबंधन में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस शामिल है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 18 और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा लगभग पूरी हो गई है, इसकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बगैर सीट शेयरिंग नहीं हो सकती। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटें हैं। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को मुंबई के एक होटल में महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर सभी दलों के बीच सहमति बनी। बैठक में विनायक राउत, संजय राउत, जितेंद्र औहाद, नाना पटोले और वर्षा गायकवाड़ शामिल हुए। बताया जाता है कि गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बने गतिरोध को खत्म करने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से फोन पर भी बात की थी।